क्या गाइस आप लोगों की ऑयल पेंटिंग बना लेने के बाद कुछ महीनों या फिर सालों के बाद वो बहुत ही डल हो जाती है, या फिर आप लोग जब भी पेंटिंग करते हो ऑयल पेंटिंग या फिर एक्रेलिक पेंटिंग, तो करते समय कैनवास बहुत ही रफ फील होता है। इन दोनों चीज़ों का बस एक ही कारण है या फिर एक ही रीज़न है कि बस प्राइमिंग नहीं की गई है कैनवास पर। अब प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग किस लिए की जाती है, किस चीज़ों से की जाती है, मटेरियल वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे आगे। बट इससे पहले यार आप लोग थोड़ा कुछ कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोगों को आगे बहुत ही आर्ट के बारे में नॉलेज की वीडियोस बहुत मिलने वाली है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथों हाथ यहाँ पर बेल आइकन भी दबा दीजिए साइड में, क्योंकि यार आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे उसके, एंड साथ साथ लाइक और शेयर ये दोनों चीज़ें कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करने से आप लोगों के जो भी सजेशंस या फिर आप लोगों को जो भी चीज़ें आगे वीडियोज़ में लगेंगी तो वो सारी चीज़ें मुझे पता चलती रहेंगी आपके कमेंट्स के द्वारा। तो यार बिना टाइम पास के चलो बस शुरू कर लेते हैं। देखिए प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग मतलब बस एक कोट देना होता है हम लोगों को कैनवास के ऊपर। जब भी हम लोग पेंटिंग करते हैं तो उससे पहले एक कोट होता है ऊपर से, जो जिससे हम लोग जो अपना कैनवास है उसके जो पोर्स है वो थोड़े क्लोज कर देते हैं। क्योंकि कई कई कैनवास है, इसको देखो, कई कई कैनवास अनप्राइम्ड आते हैं तो कई कई कैनवास पर एक दो कोट का प्राइम आता है। प्राइम मतलब आप लोगों को पता है कोट होता है। अब वो किस चीज़ों का कोट होता है आप लोगों को मटेरियल्स के ऊपर आके बता देता हूँ। देखिए दो मटेरियल्स होते हैं प्राइमिंग करने के लिए, एक होता है जेसो, दूसरा होता है अपना घर पर रहता है सिस्ता सा एक्रेलिक पेंट। अब जेसो ज़्यादातर खास करके बना गया है सिर्फ प्राइमिंग के लिए। तो प्राइमिंग बहुत से लोग, बहुत से आर्टिस्ट जेसो यूज़ करते हैं, कई कई लोगों को पता होगा, किन किन लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब जेसो क्या होता है, इसकी मतलब जो वो बॉटल होती है जेसो की, उसकी फ़ोटो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है, तो ये समझ गए जेसो ये होता है। अब एक्रेलिक पेंट तो आप लोगों को पता है, बट हम लोग को एक्रेलिक पेंट मतलब कौन सा यूज़ करना रहता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइटेनियम वाइट, हर मतलब जैसे भी वाइट आता है टाइटेनियम वाइट भी एक्रेलिक का वाइट ही होगा ऑब्वियसली, तो ये दोनों चीज़ें भी वाइट ही है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जैसे यूज़ करोगे या फिर एक्रेलिक पेंट। मैं पर्सनली एक्रेलिक पेंट यूज़ करता हूँ, उसके कोई रीज़न्स हैं तो वो रीज़न्स भी आप लोगों को आगे आगे पता चलेंगे। तो ये जैसे जो है ये ज़्यादातर बहुत से आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों को भी एक मतलब एक डब्बा मिलेगा 500 ml का, शायद मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो मुझे पता नहीं, तो 500 ml का ऑब्वियसली होगा, तो वो डब्बा भी आप लोगों को मिल सकता है कभी भी स्टेशनरी स्टोर या फिर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, मतलब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों जगह पर तो आप लोग बाय कर सकते हो। या फिर एक्रेलिक पेंट अगर आपके पास होगा, या ऑब्वियसली अगर आप लोग एक आर्ट लवर है या फिर आर्टिस्ट है तो आपके पास होगा, नहीं है तो आप लोग खरीद सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप लोग वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सीधा अमेज़न पर जाओ और सर्च मारो कि 500 ml की बॉटल वगैरह इस तरह से एक्रेलिक की, तो आ ही जाएगी, आप लोग फिर बाय कर सकते हो, कुछ 500-600 के आसपास आ जाती है या फिर उससे कम भी होगी, तो आप लोग देख लेना। एंड हाँ, तो अभी ये दो चीज़ें यूज़ की जाती है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एक्रेलिक पेंट, आप लोगों को पता चल गया ये दो चीज़ें हो गई। अब प्राइमिंग हम लोग को करना कैसा है, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, देखो बहुत चीज़ें नहीं लगने वाली है, थोड़े कम मटेरियल्स लगेंगे, बस आप लोगों को लेना होगा एक कैनवास। अब आपके पास कैनवास नहीं है तो पेपर भी चल सकता है, पेपर बट पेपर के बारे में आप लोगों को अलग से वीडियो मिलेगा, तो कोशिश कीजिए कैनवास लाइए। तो आप लोगों के पास अगर कैनवास रोल होगा तो वो कई कई कैनवास रोल अनप्राइम्ड आते हैं या फिर कई कई कैनवास रोल प्राइम्ड आते हैं, एक कोट हो गया, दो कोट हो गया, जितने भी कोट आते हैं। एंड अगर आपके पास कैनवास का बोर्ड है तो वो भी प्राइम्ड आता है पहले से, आप लोग उसके ऊपर एक ट्रायल मार सकते हो प्राइम का, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दो ही कोट या फिर तीन ही कोट, कितने भी मार सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर कैनवास। तो के ये चीज़ें आप लोगों को समझ गई। अभी हम लोग अपने टेबल पर जाते हैं और देख लेते हैं कि यार किस तरह से हम लोगों को मिक्सचर बनाना है, जो एक्रेलिक पेंट का जो पेस्ट है जो हम लोग अपने कैनवास के ऊपर अप्लाई करेंगे वो किस तरह से बना। तो देखिए अभी हम लोग सादा सी सिंपल चीज़ें लगने वाली है, ये मैंने ले लिया, एक बाउल ले लिया है, अब सिंपल सा बाउल लिया है कुछ कबाड़ा सा, और एक फ्लैट ब्रश है। अब फ्लैट ब्रश आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हो आपके कैनवास के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का यूज़ करने वाले हो, आपका मतलब कैनवास बड़ा है तो बड़ा लगेगा, एंड वाटर लगेगा, फिर सिंपल सी बात पानी तो लगेगा ही, और उसके साथ साथ हम लोग को एक्रेलिक ट्यूब तो लगने वाली है। अब मेरे पास एक्रेलिक ट्यूब है, आपके पास एक्रेलिक का डिब्बी भी हो सकती है,
तो मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। और मेरे पास ब्रूस्टर का है, तो आप लोग के पास कोई भी हो सकता है, ब्रांड डजेंट मैटर्स। तो अभी ये कलर है सूखा हुआ है अंदर का, मैंने पहले प्राइमिंग की थी उसका कलर रह गया है, तो वो कलर सूखा हुआ है। अभी ये कोई मतलब गीला कलर नहीं है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया। अभी सीधा मैं एक्रेलिक कलर अपने बाउल में निकाल लेता हूँ। एंड हाँ, बाउल घर का कोई भी मतलब यूज़ करना, कोई मम्मी से पूछ के ख़राब वाला ले लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ले लिया एक्रेलिक कलर, अच्छे से निकाल लेता हूँ। जितना मतलब आपको जितना यूज़ आएगा उसका, मतलब जितने आपको कैनवास जितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको कलर ले लेना है। मैंने इतना लिया है। अब सिंपली इसमें पानी ऐड करने वाला हूँ। एंड हाँ, बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा कलर लग गया यार, बिगिनर्स के लिए बता देता हूँ कि आप लोग जब भी पानी डालो तो बहुत केयरफुली डालना। एक लगे तो ब्रश से डाल लो, बट बहुत केयरफुली, क्योंकि एक तो पानी ज़्यादा हो गया तो फिर वेस्ट हो जाएगा वो पेस्ट, एंड पानी कम तो चल लेता है फिर, बट पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुझे थोड़ी आदत है, मैंने बहुत से कैनवास पहले प्राइम की हुई है, इस वजह से मुझे चल गया है, मतलब मेरा अच्छे से डल जाता है पानी। इसमें पानी नीचे गिरा दिया है मैंने, बट ठीक है, उतना चल लेता है। आप लोग अगर बिगिनर हो तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, कभी मोटा कलर या फिर कभी पतला कलर बन जाएगा, बट हाँ पहले पहले होगा ऐसे, बट बाद में आप लोगों को फिर नहीं सहना पड़ेगा ये सब, मतलब आदत हो जाएगा आपको। अब थोड़ा और पानी ऐड किया मैंने इसमें अच्छे से, फिर पानी ऐड करके इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये देख रहे हो आप लोग, मेरी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे रही होगी। अभी एक अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ मैं इसको एकदम अच्छे से, मतलब कहीं पर भी लम्स वगैरह इस तरह के नहीं रहने चाहिए। अब ये देखिए, आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले तो ये इस तरह की फ्लूडिटी चाहिए, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, अच्छे से एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो अभी इसको मैं सीधा कैनवास पर आ जाता हूँ अपने, एंड कैनवास पर लगा लेता हूँ फिर, ठीक है। तो अभी मैं लगा लेता हूँ अच्छे से इसके ऊपर। देखो आप लोग मुझे देख रहे हो, अभी चारों तरफ से लगा रहा हूँ। तो हाँ, एक बात बतानी थी कि मैंने, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरी आउटलाइन पहले से हो चुकी है, तो प्राइमिंग आउटलाइन के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसे इट डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ। क्योंकि देखो ये कलर अभी चारकोल जो है मेरे हाथ को लग रहा है, तो इस वजह से मैंने पेंटिंग से पहले इस पर एक कोट देने के लिए अच्छे से प्राइमिंग पहले कर रहा, मतलब बाद में कर रहा हूँ जब ये आउटलाइन मेरी हो चुकी है। आप लोग पहले कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों केसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हो जाता है दोनों में भी। एंड जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो मैंने पहले कर रखा है, क्योंकि देखिए पहले करने से भी, आउटलाइन पहले निकालने से भी, बाद में जो हम लोगों ने प्राइमिंग की हुई है उसके बाद वो ट्रांसपेरेंटली दिखाई देती है, अगर आपने अच्छे से डार्क बनाई होगी तो। लाइट बनाई हुई तो फिर वो चांसेस है कि ना दिखाई दे। तो यार आप लोग पहले प्राइमिंग कर ले सकते हो उससे। अब थोड़ी मिस्टेक्स वगैरह होती है, इस वजह से मैं एक कोट पहले कर लेता हूँ, एक कोट कभी कभी बाद में कर लेता हूँ, बट इस टाइम पर मैंने दोनों कोट्स बाद में किए हुए, तो वही आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि ये वाला कोट मैं अच्छे से चारों तरफ से लगा रह रहा हूँ, कहीं पर भी मतलब मैंने छोड़ा नहीं है जगह के भी, मतलब कोना कोना अच्छे से कर रखा है। तो आप देख सकते हो मैंने कैमरा एक एंगल पर रखा हुआ है, जिससे कि आप लोगों को जो चमकता हुआ दिख रहा है कैनवास जैसे ही मैं कोट लगा रहा हूँ, तो वैसे ही आपको भी चेक करना है कि साइड में, तो मतलब जैसे लाइट आ रही है इस तरह से, आपको आपकी लाइट के अनुसार खिसक बिसक के ज़रा सा चेक करना है कि आप लोगों ने सभी जगह पर लगा दिया है क्या। अगर नहीं लगाया तो जहाँ पर रह गया तो वहाँ पर लगा दीजिए। अभी मेरी लगभग होने आ गई है प्राइमिंग, मतलब पहला कोट अच्छे से हर जगह पर मैं लगा ले रहा हूँ। देखो अभी लास्ट दो तीन मतलब बस स्ट्रोक्स मारने, ठीक है। तो लगभग हो ही गई है पहला कोट मेरा, ठीक है। तो अभी अपनी पूरी पहली वाली कोट सूख चुकी है, देख रहे हैं आप लोग, मैंने मतलब पीछे दिखाया है इतना, एक से डेढ़ घंटा दे दिया है, सूख चुका है। अब इस पर हम लोग अपना अच्छे से सेकेंड कोट कर देंगे। तो अभी मैं अपना जो कैनवास है उसको, अभी मैंने मतलब सूख चुका है पूरा, तो इसके ऊपर अभी हम लोग सेकेंड कोट कर रहे हैं। मैं अभी मतलब अच्छे से फ्लूडिटी वगैरह चेक कर रहा हूँ, एंड सेकेंड कोट अभी हम लोग इस पर चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी कोई कंजूसी वगैरह नहीं करनी है, सेकेंड कोट है भाई, कुछ भी पानी ऐड करके लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप लोगों को अगर पेंटिंग अच्छे से सिक्योर करनी है बहुत सालों तक, या फिर ऐसे समझ कर चलो कि आपको पेंटिंग कहीं पर एग्जीबिट करनी है, तो उस हिसाब से आप लोगों को अच्छे से प्राइमिंग करनी है दोनों कोट्स में। कंजूसी कोई भी करने की गुंजाइश ही नहीं बचती, अगर आप लोगों को पेंटिंग बहुत मेहनत दे के करने वाले हो आप लोग, आपकी इतनी मेहनत उस पर लगने वाली है, तो ऑब्वियसली
कोई भी नहीं करेगा ऐसा, और जो करेगा तो फिर वो अपना देख ले भाई, अभी वो इतना मेहनत करने के बाद उसको मेहनत कुछ महीनों में ही मतलब वेस्ट कर देनी है, तो वो अपना देख ले। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो कि किस तरह से हम लोग को प्राइमिंग इसके ऊपर करनी है। तो लगभग अपना सेकंड कोड भी हो ही चुका है, अब हो ही गया है मतलब समझ लो। तो यार बस मतलब अपनी प्राइमिंग हो चुकी है अभी। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि यार प्राइमिंग किस तरह से की जाती है, किन किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। बहुत ही छोटी छोटी और सस्ती सस्ती चीज़ें, ज़्यादा कुछ इसमें लगने वाली चीज़ें नहीं है। तो बेसिकली यही चीज़ों के साथ हम लोग को प्राइमिंग करना है, बाकी इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती है। एंड हाँ, आप लोग समझ गए होंगे बेसिकली। तो यार गाइस, इन सारी चीज़ों के साथ साथ प्राइमिंग करने के साथ साथ आप लोगों को अगर किसी और चीज़ों पर भी, किसी और टॉपिक्स पर भी वीडियोस चाहिए होंगी तो कमेंट में बता देना। साथ ही साथ मेरी भी वीडियोस आगे 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 आती रहेगी, तो उसके लिए भी मतलब तैयार रहना उन वीडियोस के लिए भी। तो यार बस इतना ही कुछ कहना था आप लोगों को, बस प्राइमिंग बताना था कि क्या क्या किस तरह से किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, तो फिर यार समझ गए तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिए, और शेयर के साथ साथ कमेंट, हाँ कमेंट तो आप लोगों को करना ही है, आप लोग ये पता है आप लोगों को कमेंट भी करना ही है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग फिर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, फिर आप लोग टेंशन फ्री हो, बस आप लोगों को मेहनत करना है फिर आगे। एंड हाँ, ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, एंड आप लोग मेरी अगली वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा। तो फिर बाय बाय, मिलते हैं, कीप पेंटिंग, हाँ प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ना, ठीक है।